टीवी एक्टर करण मेहरा और उनकी जो वाइफ है निशा रावल, जिनके बीच में विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आपको बता दें कि जहां पर निशा रावल ने कई आरोप लगाए थे अपने जो हस्बैंड है उनके करण मेहरा पर कि उन्हें पीटा गया है, उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया गया है, लेकिन अब आपको बता दें कि करण मेहरा ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है अब उनके अपार्टमेंट के कैमरोज को लेकर, जो उनके कैमरा हैं उनके अपार्टमेंट में उन सब को लेकर। आखिरकार कैमराज में के लिए क्या बोला है करण मेहरा ने, हम आपको बताते हैं। आपको ये बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ दिए गए एक इंटरव्यू में करण मेहरा ने कुछ बातों को रिवील किया। वो कहते हैं, हमारे 4 BHK अपार्टमेंट में 7 कैमरे लगे हुए हैं, बेडरूम को छोड़कर हर कमरे में कैमरा लगा है। करण ने आगे कहा, हॉल में कैमरा एक ऐसे एंगल पर लगाया गया जो उस जगह को कैप्चर कर सकता था जहां निशा ने दीवार पर अपना सिर को मारा था। हालांकि बाद में मुझे एहसास हुआ कि निशा ने कैमरे पहले ही बंद कर दिए थे, अगर हमारे पास फुटेज होती तो चीज़ें साफ हो जाती, लेकिन मेन कंट्रोल जो स्विच था वो बंद था। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पहले से ही प्लानिंग करके बैठी थी। आपको बता दें कि उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है कि करण मेहरा की जो वाइफ है निशा रावल, जिन्होंने पहले से ऐसी प्लानिंग करके वो बैठी थी, ये खुलासा किया है करण मेहरा ने कि उनके घर के जो कैमरेज हैं उन सबको स्विच ऑफ पहले ही कर दिया गया था। क्या कहना चाहते हैं आप, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।